नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागता। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर की सटोरियों की धरपकड़। 7 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेवा महिला के साथ मारपीट करने और जमीन हथियाने का मामला आया सामने। सायरा पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। पुलिस अधीक्षक के सामने निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान का प्रथम क्षत्रिय रत्न सम्मान समारोह आयोजित। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने की शिरकत। और जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बचाई नन्ही सी जान। राज्य में ऐसा पहला मामला होने का दावा। 520 ग्राम के प्रीमेच्योर नवजात की बचाई जान। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। प्रतापनगर पुलिस ने शनिवार को सट्टा खेलते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया। सभी 7 आरोपियों को प्रतापनगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर पकड़ा। इन आरोपियों से 13,000 रुपए सहित सट्टे की पर्चियां बरामद हुई हैं, जिसमें भोपा मंगरी निवासी कमलेश सोनी से 1400 रुपए, रंजीत सिंह उर्फ मिंटू निवासी मेहताजी की पाड़ी 2,540 रुपए, हीरालाल सिंधी से 1,040 रुपए, ज्ञानचंद सिंधी निवासी प्रतापनगर 3800 रुपए, दीपक हरिजन ढेबर कॉलोनी निवासी 2,060 रुपए, कन्हैयालाल नाई 1600 रुपए, उदयालाल सालवी से 1,350 रुपए सहित जुए की पर्चियां और उपकरण बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में पिछले 2 महीनों में हुई 80 बच्चों की मौत के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन हम आज आपको ऐसे आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल उदयपुर जिले में पिछले 3 सालों की बात की जाए तो करीब 3,497 बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी, कम वजन और मॉनिटरिंग के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा जरूर इसके पीछे अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकारी तंत्र के लापरवाही के चलते इन बच्चों की मौत हुई है। CMHO संजीव टांक ने साफ किया कि आने वाले समय में बच्चों की मौतों का आंकड़ा कम हो, उसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग मशीन यूनिट की स्थापना की है। इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर न्यूबॉर्न केयर यूनिट लगा रखी है। इनके लगने के बाद बच्चों के मरने की संख्या में कमी आई है। टांक ने यह भी कहा कि उदयपुर जिले में चिरायु प्रोग्राम के माध्यम से जिन जगहों पर अधिक डिलीवरी होती है वहां पर अधिक फोकस करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिले में सबसे ज्यादा 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाली डिलीवरी में किसी भी बच्चे की मौत नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या है और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, आज के 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे की डेथ ही नहीं हो गई। अभी हम इतने विकसित नहीं हुए हैं, अच्छी अच्छी विकसित कंट्रीज में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जीरो हो या मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जीरो हो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम कितने प्रयास करके कितने डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने जिले के अंदर अपन ने SNCU काम कर रहा है अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसके अलावा हमने सलूम्बर में SNCU बनाया है। हमारे प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हमने न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट की स्थापना कर रखी है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हमने न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना कर रखी है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे फोटोथेरेपी की मशीनें, रेडिएंट वार्मर, ये सभी जगह चालू अवस्था में आपको मिलेंगे इन्हीं बच्चों की देखरेख करने के लिए। और जहाँ पे SNCU है वहाँ राउंड द क्लॉक सेपरेट स्टाफ रखा गया है, राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियन अलग से रखा गया है ताकि उन बच्चों की विशेष देखभाल हो सके। खास तौर पे जैसा कि आपको मालूम है, 3 मेजर कारण है इसमें डेथ के। एक इन्फेक्शन है, एक प्री मैच्योरिटी है और इन कारणों के अंदर एक कंजेनिटल एनोमलीज हैं। तो ये जो कारण है ये ऐसे कारण हैं जिनको आप कंपेरेटिवली कम कर सकते हो शुरू में
बिहेवियर चेंज करने से, प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रैक्टिसेस चेंज करने से, और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो चीज़ को फॉलो करने से। अभी हमारा फोकस चिरायु प्रोग्राम के तहत हमने जिले के टोटल 27 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारी 85% से ज़्यादा डिलीवरी होती है, 80% से ज़्यादा डिलीवरी होती है। ये 27 के 27 हॉस्पिटल्स को हमने छांट लिया। इन 27 हॉस्पिटल्स के अंदर प्रायोरिटी पे 5 वो हॉस्पिटल जहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम डिलीवरी हो रही है, 85% में से भी आप ये मान कर चलिए 50-55-60% ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। उन 5 सेंटर्स पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स तैयार करवाएं स्टेट टीम से मिलके, और उन ट्रेनर्स को एज ए मेंटर हम सभी सेंटर पे भेज रहे हैं महीने में 3 बार। ये अपनी देख रेख में वहाँ पे सारी सुविधा तैयार करवा रहे हैं, वहाँ पे खुद प्रैक्टिसेस चेंज करवा रहे हैं, वहाँ लेबर रूम प्रोटोकॉल्स फॉलो करवा रहे हैं। एक जो बड़ी गैप देखने में मिलती थी कि डिलीवरी वाले स्टाफ के अंदर और बच्चों के वार्ड में काम करने वाले स्टाफ के अंदर आपस में कोई मीटिंग नहीं होती थी, आपस में कोई तारतम्य नहीं होता था, अब हमने वीकली और फोर्टनाइटली उनकी आपसी मीटिंग्स करवाई है ताकि वो गैप्स भी अपने दूर हो सके। तो निश्चित रूप से जो अभी प्रयास हो रहे हैं, और इससे इसके अलावा हमने कम्युनिटी सीमएम प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। सीमएम प्रोग्राम भी अपने आप में इतना बड़ा प्रोग्राम है जो कम्युनिटी समुदाय आधारित है, और उनके घर पे रह के ही उनको अपन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स किस प्रकार देके उनकी हेल्थ ग्रो करवा सकते हैं। जो माल नरिश चिल्ड्रेन है उनका सर्वे करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, और उनको न्यूट्रिटिव आहार जो है उनके घर पे ही प्रोवाइड करना, सीमएम प्रोग्राम भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं आने वाले समय में कुछ सालों में आपको देखने के अंदर मिलेगा कि हमारी न सिर्फ इन्फेंट मॉर्टिलिटी और मैटरनल मॉर्टिलिटी कम होगी बल्कि न्यूनेटल मॉर्टिलिटी भी इसमें काफी हद तक कम होगी। उदयपुर के गोकुंदा क्षेत्र के कमोल गांव में रहने वाली पारीबाई की जमीन हड़पने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में शनिवार को पारीबाई और कमोल गांव के सरपंच दिनेश सेन ने पुलिस अधीक्षक के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। दरअसल पारीबाई ने उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ सायरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वहां पर किसी तरह की सुनवाई नहीं होने और आरोपियों की ओर से दूसरी बार जान से मार देने की धमकी के बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के सामने कार्रवाई की मांग की है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसका पुत्र मानसिक रूप से पीड़ित होने और उसके पति की मौत हो जाने के कारण सभी की नजर उसकी जमीन जायदाद पर है और जमीन के हड़पने की नियत से उसके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन सायरा थाने में मामला दर्ज कराने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर परिवार ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। पाळी मा सार वाडेली मग बैठी आई जवणार खेत मऊ चार पोट डोका काई दिया काटेन फरे मई पुशुक रोड छे वाई दिया मैं गई मैं नहीं वाई दिया आप गोम रो मैं ऑपरेशन के देवतारे आज जाओ मुपो दो नौपरी गोम रो मैं मैं नहीं वाई दिया भाई मैं सार वाड़ी रही हूँ मैं एकली हूँ कणा हाथ लेन जाऊँ एकली वाड़ी डोका काटीन जे मऊ पर पड़ी जब मऊ पकड़ी बेटी बड़खा फिर फूटी मैं फूटा थी बे दिन मैं पैसा भी नहीं आयो फिर दौड़ चूकी घरे पूरा नोक चूक घरे हारे गई आप मऊ बापो मारी कार्रवाई होनो मारा बेटो पागल है एक रिपोर्ट लिखी बीजे दिन आया जो बापाली बीजी मकी देखीन गया थोड़ा वाला देखीन गया फिर फिर कहें माँ से आप रही थोड़े आवजे जो मु गई फारी यतन दिन हाथों लीधा बीजे दिन हाथ दी हजार लीधा मैं कहीं मारे पैसा नहीं आप सूरत देखी ना आया वे सौकली पर बैठो पागल हाथ पर दोवाड़ू धोए बनाए पौ झूलाड़ू तो झूले आप मारे एरोमेटिक करो पैसा नहीं है तो क्या थाई देना ही पड़े मारे पीस की दे जा थाई देनी पड़े मारे पीस है जा देनी पड़े मैं कहीं भी करें फिर दीदी। जब ये प्रार्थी जो लेडी हैं ये बहुत दुखी हैं, इनके साथ इनके परिवार वालों ने मारपीट की, तब ये मेरे पास आई तो मैंने इनको सीधा थाने में भेजा। थाने में भेजने के बाद इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उमा शंकर जी हेड कॉन्स्टेबल साहब ने इनसे 1000 रुपये एक बार लिए, 700 रुपये एक बार लिए और इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। 10 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं होने पर ये लेडी वापस मेरे पास आई, तो आज सुबह मैंने उनको कॉल लगाया तो इन्होंने बोला सरपंच साहब आप नहीं समझते हो कार्रवाई के मामले में, अगर 10 दिन FIR कटने के बाद अगर मुलजिम को अगर थाने में नहीं बंद किया जाता है तो फिर प्रशासन की क्या ड्यूटी है वो भी हमें बताएं। आज हम एडिशनल SP साहब से मिले, उन्होंने पूर्ण ईमानदारी से हमारा साथ दिया और उन्होंने कहा कि आपके साथ पूरा न्याय मिलेगा, अगर किसी ने
घूसखोरी खाई है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। और हम इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करे, जनप्रतिनिधि लोगों की सुनवाई करे और गरीब जनता का भला करे। शहर के दूधिया गणेश जी मंदिर के पास शनिवार को रामपुरा की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरी तरफ बनी सड़क पर आधी उतर गई, जिसको देखने के लिए सड़क पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी हरियाणा नंबर की है। गाड़ी की हालत को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाड़ी को चलाने वाला चालक कितनी तेज गति से कार चला रहा था। गनीमत तो यह रही कि इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में शनिवार सुबह 9 बजे करीब एक विवाहिता ने कुएं में कूद करके जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर भिंडर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत पुलिस बल सहित पहुंचे। नगरपालिका प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष एजाज शेख, भवन निर्माण अध्यक्ष मग्नी राम रेगर, जमादार कन्हैया लाल वाल्मीकि मय स्टाफ मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन व पालिका सफाई कर्मियों ने कुएं से शव को बाहर निकाल करके मुर्दा घर में रखवाया। बिंडर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के अनुसार शेर बानू पत्नी छोटू खा बागवान उम्र 35 वर्ष सुबह करीब 8:30 बजे छाछ लेने के लिए डेयरी पर गई थी, लेकिन घर पर नहीं पहुंचने पर करीब 9:30 बजे उसका पति छोटू खा उसको संभालने के लिए आस पड़ोस व डेयरी पर जाकर भी पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान 10:30 बजे सूचना मिली कि आमिटा कॉलोनी रोड हॉस्पिटल के पीछे दवेला तालाब किनारे स्थित एक कुएं में लाश तैर रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस व नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंच करके तुरंत लाश को बाहर निकाला, जिसकी पहचान शेर बानू के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मुर्दा घर में रखवा करके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से बीमार। उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 5 स्थित जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने एक नन्ही सी जान को बचाते हुए कीर्तिमान भी स्थापित किया है। राज्य में ऐसा पहला मामला सफल रहा है जिसमें 520 ग्राम के प्रीमेच्योर नवजात की जान बचाई गई है, साथ ही उसकी माता को भी खतरे से बाहर निकाला गया है। यह दावा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुनील जांगिड़ ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के नारनौल निवासी दंपति को शादी के 18 साल बाद जुड़वा बच्चे होने का पता चला, लेकिन 24 सप्ताह यानी 5.5 महीने के गर्भावस्था काल में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गर्भाशय का पानी लगभग खत्म हो गया था। ऐसी नाजुक स्थिति में माया को हरियाणा से उदयपुर शिफ्ट किया गया। जांच के दौरान पता चला कि बच्चा बच्चेदानी के मुंह में फंस गया था एवं रक्तस्राव होने लग गया। बच्चेदानी फटने के डर के कारण आपातकालीन सीजेरियन ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों का जन्म 29 मई 2017 को हुआ। जन्म के वक्त पहले शिशु का वजन 520 ग्राम और दूसरे का मात्र 480 ग्राम था। जन्म पर शिशु खुद से श्वास नहीं ले पा रहे थे, उनका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील जांगिड़, डॉक्टर निखिलेश नैन एवं उनकी टीम ने अपनी पूरी जी जान झोंक दी, उसे बचा लिया गया। दूसरे 480 ग्राम वजनी शिशु के दिमाग में आंतरिक रक्तस्राव होने से उसे बचाया नहीं जा सका। आगे जाके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं रहती, तो हमारे यूनिट में हम रेगुलर तरीके। मैं ये आशीर्वाद के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान का बहुत ही अच्छा पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर ही प्रीमैच्योर डिलीवरी की संभावना होती है। जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल उदयपुर ने राजस्थान के सबसे छोटे बच्चे द स्मॉलेस्ट द यंगेस्ट एंड द टाइनीस्ट बच्चे को बचाने में सफलता हासिल की है। बच्चे का जन्म केवल 24 हफ्तों यानी 5.5 महीने के अंदर ही हो गया था और उसका वजन मात्र 520 ग्राम ही था। ऐसे छोटे बच्चे को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जीवंता हॉस्पिटल की टीम जिसमें मैं डॉक्टर सुनील जांगिड, डॉक्टर निखिलेश नैन और ट्रेन नर्सिंग स्टाफ इनकी टीम बनाई गई और लमसम 3.5 माह तक उस बच्चे की केयर की गई। इलाज के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बच्चे के खून के अंदर इन्फेक्शन था, फेफड़े कमज़ोर थे और दिल के अंदर नली खुली हुई थी जिसको हम पीडीए कहते हैं, उसको दवाई
देके बंद किया गया। हार्ट की पंपिंग कमज़ोर थी, उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ा। जब बच्चा सो जाता था तो सांस लेना भूल जाता था, नीला पड़ जाता था, तो उसको लगभग 70 दिनों तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। और आज 3.5 माह के बाद बच्चा एकदम स्वस्थ है, उसका वजन 2.25 किलो हो गया है और घर जा रहा है। किस तरह की बीमारी थी बच्चे को? बच्चा प्री मैच्योर हो गया था, यानी समय से काफ़ी पहले हो गया था। जो नॉर्मली बच्चे का 9 महीने जो बोलते हैं वो 40 हफ्तों के होते हैं, इसका जन्म सिर्फ 24 हफ्तों के अंदर ही हो गया। दुनिया के अंदर आज के तारीख में 254 ग्राम के बच्चे को बचाया हुआ है और इंडिया लेवल की बात करें तो 450 ग्राम के बच्चे को बचाया हुआ है। ये राजस्थान का सबसे छोटा कम वजन का बच्चा है, 520 ग्राम का है। इससे पहले 2 साल पहले हमने 607 ग्राम के बच्चे को बचाया है, वो आज 2 साल का हो गया है और उसका डेवलपमेंट और सब कुछ नॉर्मल है और आज भी हमारे पास फॉलोअप के लिए आ रहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 02942414256 और 9414122। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, मैं हूं जय श्रीनागता। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर की सटोरियों की धरपकड़, 7 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेवा महिला के साथ मारपीट करने और जमीन हथियाने का मामला आया सामने, सायरा पुलिस पर मिली भगत का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक के सामने निष्पक्ष जाँच की लगाई गुहार। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान का प्रथम क्षत्रिय रत्न सम्मान समारोह आयोजित, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने की शिरकत। और जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बचाई नन्ही सी जान, राज्य में ऐसा पहला मामला होने का दावा, 520 ग्राम के प्रीमेच्योर नवजात की बचाई जान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। प्रतापनगर पुलिस ने शनिवार को सट्टा खेलते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया। सभी 7 आरोपियों को प्रतापनगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर पकड़ा। इन आरोपियों से 13,000 रुपए सहित सट्टे की पर्चियां बरामद हुई हैं, जिसमें भोपा मंगरी निवासी कमलेश सोनी से 1400 रुपए, रंजीत सिंह उर्फ मिंटू निवासी मेहता जी की पाड़ी 2,540 रुपए, हीरालाल सिंधी से 1,040 रुपए, ज्ञानचंद सिंधी निवासी प्रताप नगर 3800 रुपए, दीपक हरिजन ढेबर कॉलोनी निवासी 2,060 रुपए, कन्हैयालाल नाई 1600 रुपए, उदयालाल सालवी से 1,350 रुपए सहित जुए की पर्चियां और उपकरण बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में पिछले 2 महीनों में हुई 80 बच्चों की मौत के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हम आज आपको ऐसे आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल उदयपुर जिले में पिछले 3 सालों की बात की जाए तो करीब 3,497 बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी, कम वजन और मॉनिटरिंग के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा जरूर इसके पीछे अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकारी तंत्र के लापरवाही के चलते इन बच्चों की मौत हुई है। CMHO संजीव टांक ने साफ किया कि आने वाले समय में बच्चों की मौतों का आंकड़ा कम हो, उसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग मशीन यूनिट की स्थापना की है। इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य
केंद्रों पर न्यू बॉर्न केयर यूनिट लगा रखी है। इनके लगने के बाद बच्चों के मरने की संख्या में कमी आई है। टांक ने यह भी कहा कि उदयपुर जिले में चिरायु प्रोग्राम के माध्यम से जिन जगहों पर अधिक डिलीवरी होती है वहां पर अधिक फोकस करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिले में सबसे ज्यादा 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाली डिलीवरी में किसी भी बच्चे की मौत नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या है और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, आज के 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे की डेथ ही नहीं होगी। अभी हम इतने विकसित नहीं हुए हैं, अच्छी अच्छी विकसित कंट्रीज़ में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जीरो हो या मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जीरो हो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम कितने प्रयास करके कितने डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने जिले के अंदर अपन ने SNCU काम कर रहा है अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर, इसके अलावा हमने सलूम्बर में SNCU बनाया है। उनकी तरह आप खरीद सकते हो, इसका प्राइस रेंज 5,000 to 9,500 तक है। आप खरीद लो उसको, उसको एक बच्चा भी इंस्टॉल कर सकता है आपके घर के अंदर। इनफैक्ट वो बेटर इंस्टॉल करेगा क्योंकि हम लोग ने उसको इंट्यूटिव रखा हुआ है इंस्टॉलेशन के लिए। तो जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन इंस्टॉल करते हो उस तरह से आप ये ईव इंस्टॉल कर सकते हो। और उसको केवल दो चीज़ चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। सबसे पहला है पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर या फिर पावर बैंक पे भी चल सकता है। और दूसरी बात है वाईफाई, जो दोनों चीज़ें आज हर एक घरों के अंदर है। उसको आपने ले लिया और आप उसको टेबल के ऊपर रख सकते हो या फिर अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर, जिस तरह से आप मैग्नेट चिपकाते हो उस तरह से वो चिपक जाएगा और पूरे रूम को देख सकता है। और रूम के अंदर अगर आपके कोई भी चाहने वाले हो उसका फीड आपको डायरेक्टली आ जाएगा। न केवल ये, आप पूरा का पूरा कैमरा अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको उसको सुला देना हो तो आप सुला सकते हो। अगर अलार्म की तरह ये टाइम से लेके ये टाइम तक अगर आपको उसको जगाना है तो आप वो कर सकते हो। उसका वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, आपको किस तरह से उसको देखना है, व्यू किस डेफिनेशन का है वो आप चेंज कर सकते हो। बेसिक में देख सकते हो, हाई डेफिनेशन में देख सकते हो, मॉडरेट में देख सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका वॉइस किस तरह से आना चाहिए वो आप कर सकते हो। और लोकल अगर अलार्म बजेगा तो वो अलार्म का इंटेंसिटी कितना हो वो अगर एडजस्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोग ने क्या किया हुआ है कि कैमरा जैसी जो चीज़ है इसको हम लोग ने होम कैम के अंदर कन्वर्ट किया है। और डेली यूज़ के लिए फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन वी हैव मेड इट अफोर्डेबल एंड वी हैव इनेबल्ड कनेक्टिविटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। वी हैव हेल्प्ड हिम टू बी कनेक्टेड विद हिज लव्ड वंस एंड विद पीपल हु ही वांट्स टू बी कनेक्टेड विद ऑन ऑनगोइंग बेसिस। Okay, the other product that we have launched is also a very very interesting one. वो भी काफ़ी interesting है। कई बार हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर vacation पे चले जाते हैं, घर के अंदर अगर कोई आया, courier आया या फिर आपका धोबी आया या कोई भी आया और घर के अंदर अगर कोई ना हो, आपके neighbors भी ना हो, तो आपको notification नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है कि कोई आ गया है। यहाँ पे हमने ऐसे device किया हुआ है कि आप घर के अंदर अगर हो या घर के बाहर हो या कहीं पर भी हो, घर के अंदर तो फीड आएगा ही लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली आप वो बंदे से बात कर सकते हो जो आपके घर के बाहर घंटी बजा रहा हो। और ऐसा सिचुएशन आप इमेजिन करिए कि आप वेकेशन पे चले गए हो देश के बाहर और आपका कुरियर आया हो घर के अंदर, तो आप देश के बाहर रह के भी उससे रियल टाइम में बात कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि वो कुरियर का क्या करना है। तो ऐसा भी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो है फॉर यूज़ आउटसाइड द हाउस and Eve of course is for use inside the house। मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कॉलेज के अध्यापकों की बैठक राणा प्रताप बीएड कॉलेज के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक गणपतलाल मेनारिया एवं डायरेक्टर राजेंद्र मेनारिया ने की। बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का निर्णय लेते हुए संकल्प लिया कि ना तो हम गंदगी फैलाएंगे न फैलाने देंगे। इसके साथ ही उच्च स्तर की शिक्षा एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई।
बैठक को संस्थापक गणपत लाल मेनारिया, डायरेक्टर राजेंद्र मेनारिया ने संबोधित किया। बैठक में संस्था के करीब 150 कर्मचारी उपस्थित थे। उनको मैं मैनेजमेंट के लोगों को कहूं कि जब तो गरीब को फिर खुद को आशीष होता था, अपना काम अपनी ड्यूटी अच्छी परंपराओं को कायम रखें जो, और भय भी नहीं होना चाहिए कि प्रश्नकार आएगा, लेकिन परिवर्तन वह चीज है कि अंततो गत्वा इस दुनिया को बदल के रख देगी। पशुपालक दल एवं पशुपालन विभाग उदयपुर के संयुक्त तत्वधान में आयोजित नेशनल लाइव स्टॉक के अंतर्गत सलुम्बर, सराड़ा, झालरा, सेमरी पंचायत समिति के पशुपालकों ने उदयपुर जिले की उत्कृष्ट गौशाला श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ गौशाला बांसड़ा का भ्रमण किया। भ्रमण टीम के प्रभारी डॉक्टर हरि राम सोनी सलुम्बर, डॉक्टर सुरेश कुमार सराड़ा के अनुसार गौशाला प्रबंधक श्याम चौबीसा द्वारा दल का स्वागत किया गया एवं गौशाला में उपलब्ध व्यवस्था की जानकारी दी गई। गौशाला प्रबंधक ने बताया कि देशी गाय एक चलता फिरता औषधालय है, पंचगव्य के सेवन से कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है, इसलिए किसानों एवं पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा गौपालक करने चाहिए, साथ ही किसानों को जैविक खेती पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और यहाँ का सारा व्यवस्था देखते हुए और इसका रखरखाव देखते हुए हमको बिल्कुल हर्ष हो रहा है, और हमारे साथ जो पशुपालक दूर से आए हुए हैं जिन्होंने भी गौशाला देखने की इच्छा थी और इनको देखते हुए इनको भी बड़ा आनंद महसूस हुआ है। साथ में श्याम जी ने जो इनको देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए जो बातें बताई, इसके ऊपर हमारे पशुपालक तो बिल्कुल इनके ऊपर फिदा हो गए हैं। मैं तो समझता हूँ ये घर जाके देसी गाय की तरफ ही ध्यान देंगे। इसे दल लेके आए 15 पशुपालकों का, यहाँ बांसला गौशाला में व्यवस्था देखी और श्याम जी ने सब व्यवस्था बताया। जो कम संसाधन होते हुए भी इन्होंने जिस तरह से गौशाला को प्रबंधन किया है, जो व्यवस्था रखी है, वो काबिले तारीफ है। और सभी पशुपालक ये श्याम जी को सराहना कर रहे हैं और इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि जो आपकी गौ माता के प्रति सेवा का जो त्याग है उसको देख के वो भी बलिभूत, मतलब खूब सराहना। पार्श्वनाथ गौशाला की व्यवस्था देखी, इसमें श्याम जी का किरदार बहुत अच्छा लगा हमें, और श्याम जी की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे बना रखी है इन्होंने, और गाय के प्रति बहुत ही समर्पित है ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक द्वारा अच्छी व्यवस्था, अच्छा रख रखाव हो रहा है, इसके अलावा गौ भक्ति की भावना भी हमें दिखाई। गौशाला का प्रबंधन रख रखाव वाकई में बहुत अच्छा लगा है, प्रबंधक द्वारा अच्छी व्यवस्था दिखाई गई और उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था अच्छी। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान की ओर से प्रथम क्षत्रिय रत्न सम्मान समारोह शनिवार को चित्रकूट नगर में स्थित मेधपाठ में आयोजित हुआ। इस सम्मान समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने शिरकत की। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ समाज को विभिन्न क्षेत्रों से नई नई प्रतिभाएं मिलती हैं। शिक्षा और संगठन से ही समाज संगठित व जागरूक होता है और विकास की ओर अग्रसर रहता है। समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं की सक्रियता बहुत जरूरी है। किसी भी समाज की प्रगति उसकी युवा टीम पर निर्भर होती है। युवा पीढ़ी ही देश की भविष्य निर्माता है। साथ ही उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करने की परंपरा को जीवंत रखकर समाज में खुशहाली लाई जा सकती है। इस समारोह में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संरक्षक रावत मनोहर सिंह कृष्णावत ने कहा कि समाज में बहुत सी प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन सुविधाओं और साधनों के अभाव में वो संघर्षरत हैं। उनके सुविधाओं के लिए महासभा द्वारा इन प्रतिभाओं को संसाधनों की पूर्ति में सहयोग करेगा। कृष्णावत ने बताया कि दिसंबर में होने वाले महासम्मेलन में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का संभाग स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें संभाग भर से 40,000 से अधिक क्षत्रिय समाज के लोग भाग लेंगे। समारोह में क्षत्रिय समाज के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पूर्व विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती श्यामा कुमारी सिंगर, वल्लभ नगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर, देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला,
भोपाल नोबल संस्थान के पूर्व निदेशक तेज सिंह बांसी, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एनके सिंह, प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर भोपाल सिंह चुंडावत, शिक्षाविद डॉक्टर ओंकार सिंह राठौड़, समाजसेवी भारत सिंह सिसोदिया व सज्जन सिंह राणावत को शॉल सम्मान पत्र प्रदान कर क्षत्रिय रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत, महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, डॉक्टर दरियाव सिंह चुंडावत, चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित कई समाजजन मौजूद रहे। पिछले 8 वर्षों से अपने समर्थकों सहयोग से एकजुट होकर विधायक और सांसद को विजय बनवाया है। सहकारी संस्था से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में आपके योगदान भी और आदर्श भी और आशीर्वाद भी आपके ऊपर विशेष है। इन्होंने बड़े भ्राता के नाम से नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान भी बनाया गया है, जी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, उनके नाम से जो है ये कार्य करते हैं और भी समाज सेवा इसके माध्यम से भी आपके द्वारा की जाती है। उदयपुर में प्रतापनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में चल रही 2 दिवसीय स्कूल प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं का शुक्रवार को समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में कुल 8 केंद्रीय विद्यालयों के 350 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग सत्रों में आयोजित हुई कुल 12 प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन सामूहिक और एकल नृत्य, सिंगिंग, क्विज और वाद विवाद सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें बेहतरीन परफॉर्म करने वाले चयनित बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर की सटोरियों की धरपकड़, 7 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेवा महिला के साथ मारपीट करने और जमीन हथियाने का मामला आया सामने, सायरा पुलिस पर मिली भगत का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक के सामने निष्पक्ष जाँच की लगाई गुहार। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान का प्रथम क्षत्रिय रत्न सम्मान समारोह आयोजित, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने की शिरकत। और जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बचाई नन्ही सी जान, राज्य में ऐसा पहला मामला होने का दावा, 520 ग्राम के प्रीमेच्योर नवजात की बचाई जान। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।